नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर में आज खेल दिवस का आयोजन। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर में आज खेल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। खेल प्रभारी घेवराम ढोकिया ने बताया कि खेल दिवस के अवसर पर खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, रस्साकस्सी, एथलेटिक्स, लंबी कूद आदि खेलों का आयोजन किया गया। किशोर वर्ग तथा तरुण वर्ग के अंतर्गत यह प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें खो खो में किशोर वर्ग की टीम प्रथम तथा कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस में तरुण वर्ग की टीमें प्रथम स्थान पर रही। 100 मीटर की दौड़ में भैया अनिल, नमित वैश्रम एवं भैया शंकर प्रथम स्थान पर रहे। 400 मीटर की दौड़ में भैया रामस्वरूप राठी, 800 मीटर में भैया अनिल, लंबी कूद में प्रदीप बिश्नोई तथा भैया विष्णु प्रथम स्थान पर रहे। खेलकूद प्रतियोगिता के अति विख्यात रामदीन भाटी एवं राम बल्लभ सोनी रहे। शारीरिक शिक्षक अशोक तिरदिया, हेमाराम, प्रेमाराम गुरु ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इसके पश्चात कार्यक्रम का समापन समारोह कार्यक्रम समाज सेवी एवं उद्योगपति रतन सिंह गहलोत के मुख्य आतिथ्य में तथा सेवा भारती समिति के नगर अध्यक्ष रामनिवास गहलोत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। राजस्थान स्टेट ब्यूरो, प्रदीप डागा की रिपोर्ट।